सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया है कि 12 तारीख तक जो लोग अपना पंजीकरण करवा लेंगे तो स्वर्ण विज्ञान के कार्यक्रम में उनको कुछ रियायत दी जाएगी, जिससे कि उनकी जेब पर भी बोझ कम पड़े और उनका ये सफल भी हो जाए। तो शीघ्रता से पेड ग्रुप में अपना पंजीकरण करवा लें। आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्रकार का ज्ञान सर्वथा मिलता ही नहीं है, एकदम यह कहो कि यूनिक, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए इस कार्य के लिए आपको जब उद्यत हो ही रहे हैं, शीघ्रता करें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, यदि आप इतना रिस्क नहीं उठा सकते तो मैं समझता हूँ फिर आपको इस विज्ञान की ओर से दृष्टि घुमा लेनी चाहिए। और जैसे आप जी रहे हैं, जैसे आप रह रहे हैं अपने यहाँ, वैसे ही फिर रहें, क्योंकि ये विज्ञान अपने आप में अद्वितीय है, ये अपने आप में बिल्कुल अलग है, यूनिक जिसको कहते हैं। अगर इसकी टक्कर का कहीं पे मिल जाए तो आप कहिएगा, मिलेगा ही नहीं। आखिर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 40-40 साल तक इस विज्ञान की खोज में लाख का घर खाक कर दिया है, इसके बावजूद उनको इस कार्य में सफलता नहीं मिली कि मियाँ कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। अब इसमें अगर आपको विश्वास ही ना आता हो तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप समझ सकते हैं ये कितना गहन विज्ञान है, ये रसतंत्र, ये रसायन विद्या जिसे आप रसेश्वरी विद्या, हेम विद्या कई नामों से पुकारते हैं। कहानी में तो सबने सुना है, आल्हा की किताबों में तो सबने सुना है कि महोबा में पारस बटिया थी, पर वास्तव में किसी ने उसको देखा है क्या? और मैं समझता हूँ इस माध्यम से, इस विज्ञान के माध्यम से पारस पत्थर तो आपको भले ही न मिले, पर जो आपका उद्देश्य है स्वर्ण विज्ञान का वो सफल हो जाएगा। और ये एक विशेष रासायनिक क्रिया है, ये तो लोग कह देते हैं कि पारस पत्थर था, उसमें सोने लोहे को छुआ दिया तो सोना बन गया, ये किंवदंतियां होती हैं, उसके पीछे का विज्ञान कुछ और था। पारस यानी कि उसको पारद कहा गया, और केवल छुआने से नहीं, उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है, उस माध्यम से जब आप वो करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा आपका। पारद में स्वर्ण ग्रास दिया जाता है, और यदि वो तृप्त कर दिया जाए, वो उपचित करके तृप्त कर दिया जाए, तो उसी से कुछ ऐसी चीज निकलने लगती है जो कि ताम्र को भी सोना बना देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। हरिओम।